नमस्कार दोस्तों, मनीषा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 4 किलो गाजर को लिया है। ये एकदम बड़े साइज के गाजर हैं, क्योंकि यह हलवा बनाने वाला ही गाजर है। दोस्तों, इसको एक बार चाकू की सहायता से इसको साफ कर लेते हैं। गाजर को साफ पानी से धुलेंगे। गाजर को धोने के बाद इसको कद्दूकस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के बाद कढ़ाई में डालेंगे। गाजर को इतना भूनेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता है। इसी तरह से सभी गाजर को कद्दूकस करके भूनेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और धीमी आंच पर भूनेंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने दूध, चीनी और देसी घी, खोआ और मेवा को भी लिया है। गाजर का पानी सूख गया है, इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी के साथ गाजर को अच्छे से भूनेंगे। देसी घी के साथ भूनने के बाद इसमें डालेंगे दूध।
दूध में पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे खोआ। खोआ डालकर अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे मखाने। गरी और काजू डालकर अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों, गाजर का हलवा बनाने में काफी समय लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो इस तरह से हलवा हमारा बन के तैयार होता है। दोस्तों, आप सब भी इस तरह से हलवा बनाइए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।